Assalamualaikum and welcome to Food Tadka Bahira. I hope कि आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे इंशाल्लाह. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आज मैं बना रही हूँ चीजी बो पास्ता. बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी है. इसके लिए यहाँ पे मैंने 2.5 कप ये बहुत ही खूबसूरत सी शेप का बो पास्ता है, इसको बॉईल कर लिया था. जब पानी में बॉईल आया तो मैंने 2 से 3 पिंचेस रेगुलर सॉल्ट के और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लिया. और जब ये बॉईल हो गया तो इसको स्ट्रेन करके ठंडे पानी से इसको खंगाल लिया. यहाँ पे 700 ग्राम मैंने बोनलेस थाई लिया और उसके इस तरह से लंबे स्ट्रिप्स काट लिए हैं. ये 350 ग्राम व्हाइट फ्रेश मशरूम्स हैं, इन्हें भी काट लिया. और 1 कप के करीब जो है जूलियन कटी हुई गाजर है. मैं ये 2 बेसिक सी सब्जियां यूज कर रही हूँ. आप चाहें तो आप इसमें मटर फली और ऑलिव्स और इसके अलावा कैबेज भी ऐड कर सकते हैं. दो टेबल स्पून भर कर मैदा लिया है. सॉल्ट ऐड कर देंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट और साथ ही पिसी हुई या क्रश्ड काली मिर्च, ये भी 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं. ऐड कर दिया और यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब व्हाइट विनेगर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. और इस दौरान हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल एक अलग पैन में गरम कर लेंगे. 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल गरम हो चुका है और चिकन को भी मैरिनेट हुए हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं. आप ये चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी कलर चेंज होने तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे. चिकन को जो है वो यहाँ से कलर चेंज होने तक हाई फ्लेम पर ही टॉस एंड कुक करना है. इस तरह से परफेक्ट रेसिपी है बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर देने के लिए. अगर आपके घर हाई टी पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके सामने भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और चाहें तो अपनी फैमिली के साथ भी इसको एज अ डिनर में एंजॉय कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फैमिली सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें. हो चुके हैं ऐसे हाई फ्लेम पर टॉस एंड कुक करते हुए. तो अब इसमें मैं वेजीज ऐड कर दूंगी जिसमें कि मैंने जूलियन कैरेट और मशरूम्स लिए थे. उनको भी 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चिकन के साथ पहले ज़रा सा फ्राई कर लेंगे. उसके बाद इसमें कुछ सॉसेस और बेसिक से दो अदर स्पाइसेस ऐड करेंगे. आप तमाम स्पाइसेस सॉसेस और वेजीज की मिकदार अपने टेस्ट के मुताबिक बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा. मगर रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा. लाइक शेयर एंड कॉमेंट लाजमी करना है आप सब ने. दो से तीन मिनट हो चुके हैं वेजीज को भी फ्राई होते हुए. तो अब डार्क सोया सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर. 1, 2, 3 and 4 टेबल स्पून ये ऐड हो गया. साथ ही इसमें हॉट सॉस या रेड चिली सॉस जो भी आपको पसंद हो 2 टेबल स्पून भरकर ये ऐड कर देंगे. ट्राई कर लेंगे इसको थोड़ा सा और. फ्लेम अभी तक हाई ही है. अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 3 टेबलस्पून भरकर मेयोनीज. और अब इस स्टेज पर जो है वो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए मजीद कुक करेंगे विदाउट लिड कवर किए. बहुत ही मज़ेदार चीजी वो पास्ता बनता है ये. मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मैं अभी भी उनके लंच के वजह से ही ये बना रही हूँ. क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चों का स्कूल शुरू हो जाता है माएँ बेचारी परेशान हो जाती हैं, रोज़ का इशू होता है कि लंच में क्या दें. तो ये परफेक्ट रेसिपी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए. बच्चों को पसंद भी बहुत आती है और वो स्कूल में लंच भी बहुत शौक से कर लेते हैं. तो ये ज़रूर बना कर दीजिए अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को. मेयोनीज और सोया सॉस दोनों में सॉल्ट होता है, लिहाजा इस वक्त संभल कर अपने टेस्ट के मुताबिक आप सॉल्ट ऐड करेंगे इस स्टेज पर. इसी तरीके से पिसी हुई काली मिर्च, आपको जितना स्पाइसी या लेस स्पाइसी रखना है डिपेंड्स ऑन यू. और इसको मिक्स कर देंगे. अब मैं फ्लेम हल्की कर चुकी हूँ मेयोनीज ऐड करने के बाद से और चिकन जो है वो इसी तरह से वेजीज के साथ कुक हो जाएगा. इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और साथ ही मैं इसके अंदर अब शुगर भी थोड़ी सी ऐड करूंगी. कम्प्लीटली ऑप्शनल है. बाज़ बाज़ों को पास्ता थोड़ा सा स्वीट पसंद नहीं होता तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं.
इनफैक्ट कुछ लोगों को एग से भी एलर्जी होती है, तो जो मैंने चिकन मैरिनेट करते हुए इसमें एग डाला है, इफ़ यू आर एलर्जिक टू एग सो यू कैन डेफिनेटली स्किप इट। ओके जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3-4 टेबलस्पून ऑफ रेगुलर शुगर, 2, 3, 4, साथ ही इसके अंदर 3-4 टेबलस्पून भरकर रेगुलर केचप, ये जो चिली गार्लिक सॉस होता है केचप का, वो भी आप यूज कर सकते हैं और चाहें तो इस केचप को स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। आई प्रेफर ये डाल लीजिए, जबरदस्त सा सॉसी सा चीजी सा क्रीमी सा पास्ता बनेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको लिड कवर करके 5-6 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से प्रॉपरली कुक हो जाए। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप बिल्कुल आसानी से ये रेसिपी उससे बना सकते हैं। साथ ही मैंने 500 ग्राम जो मोज़रेला चीज़ ग्रेट कर ली है उसमें से हाफ मैं अभी डाल रही हूँ और हाफ मैं जब पास्ता डालूंगी उसके बाद ऐड करूंगी। तो फ्लेम बिल्कुल बिल्कुल आपने हल्की रखनी है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर हम चीज़ ऐड करते हैं तो चीज़ जल जाता है, इसलिए हमें बिल्कुल धीमी आँच, जैसे हम चावल बनाते हैं तो दम पे लगाते हैं ना, तो दम वाला चूल्हा बिल्कुल आपने रखना है और इसको स्लोली आपने जो है मिक्स करते रहना है और बस आधा से एक मिनट देना आपको चीज़ मेल्ट होने के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। चीज़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, चिकन भी कुक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, सब्जियाँ भी कुक हो चुकी हैं। ये देखिए कैसा क्रीमी सा सॉसी सा जो है वो हमारे पास एक बैटर सा तैयार हो गया। तो अब स्टेज पे हम अपना ये जो गो पास्ता बॉईल किया हुआ है ये ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे गो पास्ता डालने के बाद मैंने फ्लेम बिल्कुल दम वाली ही रखी हुई है और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया इसके ऊपर। तो जो टोटल 500 ग्राम्स मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी उसका हाफ पार्ट मैंने पहले ऐड किया था आपके सामने, और अब ये थोड़ा सा जो बचा था मेरे पास बाहर ये भी मैंने ग्रेट करके ये इसके ऊपर ऐड कर दिया है। आप इस स्टेज पे शुगर, चिली सॉस और केचप, जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं ये आप टेस्ट कर लीजिए, और अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं ऊपर से। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट मैंने आप सबको बताई है, परफेक्ट बना है, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत मज़े का इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब लिड कवर करके मैं इसको 5-6 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी, ताकि ये जो गो पास्ता है पहले से बॉईल किया हुआ था ये ठंडा हो चुका है तो ये भी हीट अप हो जाए और जो चीज़ एक्स्ट्रा ऊपर से ऐड किया है वो भी मेल्ट हो जाए। 5-6 मिनट हो चुके हैं, चीज़ भी पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है और ये देखें हल्का हल्का सा धुआं इसमें आ रहा है, मींस पास्ता नीचे तक तो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ और इसको मैं गार्निश करूंगी हरी प्याज से। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मेरे पास पड़ी थी तो मैं ऐड कर रही हूँ गार्निशिंग में, अदरवाइज अगर आपके पास हरी प्याज ना हो तो आप हरा धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, और अगर हरा धनिया भी ना हो तो इट्स ओके, घर की बात है, सब कुछ खा लिया जाता है घर में, तो बगैर गार्निश किए भी खा लेंगे। इसको डिश आउट करते हैं और फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। आ रही है, बहुत ज़बरदस्त जायका है और लुकिंग आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना आपने, और अगर अभी तक आपने फूड तड़का बायरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। बनाइएगा ज़रूर और कॉमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे, अल्लाह हाफिज़।